नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भारतीय एयरटेल दोस्तों, ये एक दिग्गज कंपनी है, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप आप इसे कह सकते हैं। और इस कंपनी के आज नतीजे आने थे जो कि आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, उसी के बारे में बस आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इस स्टॉक पे बड़े लंबे समय से मैं बुलिश रहा हूं। मैंने इन्वेस्टर से ही कहा है कि आप भारतीय एयरटेल को एज अ बिजनेस ट्रीट करो, स्टॉक के प्राइस को मत देखो कहां जा रहा है। आपको पता है, मुझे पता है कि एयरटेल हम सब यूज कर रहे हैं, जियो भी कर रहे हैं और वोडा भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े नंबर एयरटेल के पास है। सबसे ज्यादा आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर एयरटेल बना रहा है। एयरटेल न केवल टेलीकॉम बिजनेस में, वाईफाई के मामले में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है एयरटेल का। जियो तो आप मोबाइल में सिम डाल ली, लेकिन वाईफाई एयरटेल ही दे रहा है आपको, डीटीएच एयरटेल दे रहा है आपको। तो एयरटेल एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, जिसको कॉम्पीट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज साबित होगा, और होगा ही नहीं। अब ऐसी कंपनी दोबारा बनाने के लिए आई थिंक बहुत कुछ करना पड़ेगा और शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, कोई क्रिएट नहीं करेगा ऐसी कंपनी। तो एयरटेल को आप केवल और केवल कंपाउंडिंग की पावर से प्ले करने के लिए रखे रहो अपनी पोर्टफोलियो में। नंबर्स अच्छे आएंगे, नंबर्स खराब आएंगे, पैसा बनता रहेगा। 1663 का आज क्लोजिंग प्राइस है, 1779 का इसका लाइफ टाइम हाई है और 52 वीक हाई भी है। ज्यादा कुछ दूर नहीं है, 120-130 रुपए नीचे अपने लाइफ हाई से, जो कि मुश्किल से 6-7% होता है। नीचे से देखा जाए तो 900 के करीब का 52 वीक लो है। 70 के पीई पे ट्रेड करती है कंपनी। भैया मार्केट से 70 का पीई दे दे, 50 का दे दे या 100 का दे दे, हम और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूएशन कंपेयर किससे करोगे, कहां आप लेके जाओगे इस कंपनी को, किससे मुकाबला करवाओगे, है कोई आपको कॉम्पिटिशन, है ही नहीं दूर दूर तक। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको बिजनेस के तरीके से देखो। नंबर्स पे उससे पहले मार्केट कैप पे जरा नजर डालिए, 10,00,000 करोड़ का मार्केट कैप। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, जिसका है 18,00,000 करोड़ का मार्केट कैप। उसके बाद आई थिंक आपका HDFC बैंक आता है, 14-15 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है, सॉरी TCS 14-15 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे। देन आई थिंक HDFC बैंक आता है, जो कि आपका मैं एग्जैक्टली देखूं तो 11-12 लाख करोड़ पे है, शायद 13 लाख करोड़ पे है। एंड उसके बाद आई थिंक मेरे को लगता है भारतीय एयरटेल ही आता है और कोई है नहीं पाए। ICICI बैंक अभी तो इससे काफी पीछे, आई थिंक 9,00,000 करोड़ पे, काफी तो नहीं बट 9,00,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। तो आई थिंक ये टॉप 5 में आपके लिए एयरटेल है मार्केट कैप, यानी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में। तो ये कंपनी आपको बेचनी नहीं है, नंबर्स बताने से पहले मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। रेवेन्यू पे नजर डालिए, बड़े आंकड़े से एस्टीमेट्स को बीट करा है। बाजार कह रहा था 40,400 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, नहीं जी, 41,473 करोड़ का रेवेन्यू आया है। 41,473 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है, बीट्स एस्टीमेट्स, मार्केट के अनुमान को बीट करा है, बहुत ही दमदार। अगला पैरामीटर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 21,840 करोड़ पे आया है। यहां भी बीट्स एस्टीमेट, अनुमान था 21,400 करोड़ के समथिंग का, जिसको 400 करोड़ के बड़े मार्जिन से बीट कराए। आगे मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 53% के आए हैं, यहां भी बीट, 52% का अनुमान था। आगे नेट प्रॉफिट, सबसे बड़ी चीज जो होती है, 4,153 करोड़ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट पेश करा है, और यहां आप कह सकते हो अनुमान से बीट भी या इनलाइन टू एस्टीमेट। लेकिन मैं आपको एक चीज पे फोकस करने के लिए कहूंगा दोस्तों, और वो चीज है अदर इनकम। लास्ट क्वार्टर में 2,010 करोड़ पे थी अदर इनकम, और इस बार 475 करोड़ है। और अगर मैं यही चीज आपके साथ इस क्वार्टर की बात करूं, तो लास्ट क्वार्टर में 4,700 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 4,153 करोड़ है, तो 600 करोड़ का कम प्रॉफिट आया है। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, सेल्स देखें, तो वो बहुत ऊपर चली गई है लास्ट क्वार्टर से। प्रॉफिट के ना बढ़ पाने का रीजन है अदर इनकम फैक्टर। लास्ट क्वार्टर में ज्यादा अदर इनकम थी, इस बार थोड़ी कम है। अगर आप इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे ना, तो 2,093 करोड़ से 4,153 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा पेश करा है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो मेरे को लग रहा है ये नंबर हर एक पैमाने से अच्छे हैं। इसके दम पर अगर नंबर स्टॉक टूटता है या गिरता है, तो मेरे को लगता है आपको
डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसे बायो डिप के रूप में देखना चाहिए, यूज करना चाहिए एंड दैट्स इट। मेरे को ये नंबर्स अच्छे लग रहे हैं भारतीय एयरटेल के हर एक पैमाने पे, बस एक ही जगह खराब दिख रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट का आंकड़ा थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है और उसके पीछे मेरे को अदर इनकम का रीजन लग रहा है। बट नॉर्मल अदर इनकम है तो मे बी स्टॉक नेगेटिव चला जाए तो आपको वहां घबराना नहीं चाहिए, उठाना चाहिए। वैसे तो स्टॉक नीचे जाएगा नहीं, और अगर चला जाए तो वहां घबराइएगा मत और ऐड कीजिएगा, इतना ही कहना चाहूंगा। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा। स्टॉक का पहला सपोर्ट 1640 पे ही प्लेस्ड है, उसके बाद 1540 पे है। ये किस स्टॉक कहाँ भी मिले आप लेने के मौके तलाशिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।